जब से बोट एड ऑफ फ्लेक्स 454 ANC लॉन्च हुआ है, इसकी डिमांड इतनी ज़्यादा मार्केट में है कि हमेशा आउट ऑफ स्टॉक रहता है। तो आज मैं इसका डिटेल रिव्यू लेके आया हूँ। एक महीने हो चुके हैं मुझे इसको यूज़ करते हुए, क्या इसमें प्रोज एंड कॉन्स मुझे लगे हैं उस पूरी डिटेल में आप लोगों के साथ में मैं शेयर करने वाला हूं। तो आज मैं अपना 1 month का एक लॉन्ग टर्म एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ में शेयर करने वाला हूं कि इसमें क्या कुछ प्रोज एंड कॉन्स देखने को मिलते हैं, वो सारी डिटेल आप लोगों से बताने वाला हूं। सबसे पहले बात करते हैं कि ईयर्स के अंदर में कितने ज़्यादा कंफर्टेबल हैं या फिर लॉन्ग टर्म के लिए कैसे होने वाले हैं। तो देखिए, अगर आप इनको लंबे टाइम तक पहन के रखना चाहते हो, जैसे 4 से 5 घंटे या फिर 3 से 4 घंटे के लिए यूज़ करना चाहते हो, फिर क्या होता है कि ईयर्स में थोड़ा पेन होना स्टार्ट हो जाता है। मतलब कि मैं ये बोलूँ, जो दूसरे TWS आते हैं सिमिलर प्राइस के अंदर में, उनको आप 4 से 5 घंटे ईजिली पहन सकते हो, पर इसमें थोड़ा सा आपको पेन जो है वो महसूस होगा, क्योंकि या तो इसके जो ईयर टिप्स की क्वालिटी है या तो वो उतनी सॉफ्ट नहीं है या फिर उसके डिज़ाइन में कुछ चेंज है, जिस वजह से ईयर्स के अंदर में थोड़ा जल्दी पेन होना स्टार्ट हो जाता है। तो अगर आप लंबे टाइम तक ईयरबड्स को पहनते हो, उस केस में इसमें आपको थोड़ा सा पेन वाला इशू देखने को मिल सकता है, पर अगर 1-2 घंटे के लिए यूज़ करते हो फिर कोई ऐसा दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट, इस TWS में जो ANC दिया गया है वो सच में काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल मुझे लगा है। 32 decibels तक की ये बैकग्राउंड नॉइस को रिड्यूस कर सकता है। तो अगर मैं अपने घर में रहता हूँ, बेडरूम में रहता हूँ, तो कोई भी बैकग्राउंड नॉइस मुझे सुनाई नहीं देती, जैसे फ़ैन है या फिर AC कूलर, उस सब की नॉइस मुझे सुनाई नहीं देती है। लेकिन अगर मैं आउटडोर हूँ, ट्रैफिक में हूँ, तो ऑलमोस्ट ये 50% के आसपास बैकग्राउंड नॉइस को रिड्यूस कर देता है, क्योंकि 32 डेसिबल्स तक की जो भी नॉइस आएगी उसको बहुत ही अच्छे तरीके से ये रिड्यूस कर देता है। तो इसका ANC वाला फीचर मुझे यूज़फुल लगा है और सच में वो काम बढ़िया तरीके से करता है। मोस्टली लोग TWS को परचेस करते हैं गाने वगैरह सुनने के लिए, तो इसमें बता दूँ 10mm के डायनेमिक ड्राइवर्स दिए गए हैं। अब जो यहाँ पे लाउडनेस है वो काफ़ी बढ़िया मिल जाती है। इवन अगर आप 80-90% वॉल्यूम पे भी म्यूज़िक सुनते हो तो साउंड वगैरह फटता नहीं है, काफ़ी क्लियरली सुनाई देता है। और ये बाय डिफ़ॉल्ट बोट सिग्नेचर मोड के साथ में आता है, इसका मतलब यहाँ पे जो म्यूज़िक क्वालिटी बहुत ज़्यादा इन्हांस मिलेगी नॉर्मल मोड से। तो अगर आप बेस लवर हो फिर तो ये आपको बहुत ज़्यादा पसंद आने वाला है, क्योंकि इसमें बेस वगैरह काफ़ी ज़्यादा मिलता है। जो इंस्ट्रूमेंट्स ट्रबल्स वगैरह हैं वो काफ़ी क्रिस्प एंड क्लियर सुनाई देते हैं। तो म्यूज़िक साइड से मुझे ऐसा ये डिसअपॉइंट नहीं किया है, जिस प्राइस में आता है उसके हिसाब से अगर मैं आपको बताऊं तो म्यूज़िक क्वालिटी भी काफ़ी बढ़िया मिल जाएगी, लाउड क्रिस्प एंड क्लियर मिल जाती है। और बेस लवर हो देन आपको ये डेफिनेटली पसंद आने वाला है। नेक्स्ट बात करते हैं इसके हम बैटरी बैकअप की। तो कंपनी क्लेम करती है कि इसका केस अगर एक बार फुल चार्ज है तो लगभग से 60 आवर का बैटरी लाइफ मिलेगा, पर पिछले 1 महीने से जो मैं यूज़ कर रहा हूँ मुझे इसमें 52 आवर्स के आसपास का हाइएस्ट बैटरी बैकअप देखने को मिला है। अब उसके पीछे का रीज़न ये है कि कंपनी जो 60 आवर का बैटरी लाइफ क्लेम कर रही है, अगर आप 50-60% वॉल्यूम पे म्यूज़िक सुनते हो तब ये 60 आवर्स तक का आसपास का बैटरी लाइफ दे सकता है। लेकिन अगर आप उसमें ANC भी सुन रहे हो या फिर 80-90% पे म्यूज़िक सुन रहे हो तो उस केस में बैटरी बैकअप ड्रॉप देखने को मिलेगा। तो ये टोटली यूज़र्स के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस टाइप के म्यूज़िक सुन रहे हैं, ANC को कितना ऑन करके म्यूज़िक सुन रहे हैं, तो उस केस में बैटरी लाइफ आपको कम ज़्यादा देखने को मिल सकता है। पर अगर आप रफली बोलो तो 50 घंटे का बैटरी लाइफ इसमें आपको देखने को मिल जाएगा इजिली। और इन बड्स में कंपनी क्लेम करती है 12 आवर का बैटरी लाइफ, पर रियल लाइफ में 8-9 आवर का बैटरी लाइफ मिला है, क्योंकि वही डिपेंड करता है कि आप कितने वॉल्यूम पे म्यूज़िक सुन रहे हो, ANC को ऑन करके कितना म्यूज़िक सुन रहे हो, उस केस में बैटरी लाइफ थोड़ा कम ज़्यादा देखने को मिल सकता है। लेकिन इसका जो एक मुझे इंटरेस्टिंग फीचर लगा है, जो इसका फास्ट चार्जिंग है, ASAP चार्ज इसको बोट बोलता है, और उसमें क्या होगा कि अगर आप 10 मिनट इसको चार्ज करते हो तो 240 मिनट का बैटरी लाइफ मिल जाता है। अब ये काफ़ी कमाल का है, मतलब 10 मिनट चार्ज करो 240 मिनट तक आप गाने से सुन सकते हो। तो इसकी फास्ट चार्जिंग मुझे काफ़ी ज़्यादा इंप्रेसिव लगी है। अगर इसके कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स के बारे में आपको बता दूं तो सबसे पहले इसमें इन ईयर डिटेक्शन मिल जाता है, तो आप रिव्यू वीडियो देख लेना, उसमें मैंने पूरा एक्सप्लेन किया है। तो ये काफ़ी ज़्यादा मुझे यूज़फुल लगा, ये बैटरी बहुत ज़्यादा सेव कर देता है, क्योंकि ईयर से निकालते ही म्यूज़िक पॉज कर देता है, ईयर्स में लगाते फिर से म्यूज़िक प्ले कर देता है। दूसरा, ये ड्यूअल डिवाइस कनेक्टिविटी मिल जाती है, मतलब एक साथ ये 2 devices के साथ में कनेक्ट हो जाता है, तो इसके ऐप से तो आप इसको कंट्रोल कर सकते हो। अब मेरे पास में जैसे कि 2 फोन है, तो दोनों फ़ोन से मैंने इसको कनेक्ट किया, वो काफ़ी सीमलेसली ये काम करता है। तो अगर आपके पास में भी 1 से ज़्यादा devices हैं तब ये वाला जो ड्यूअल डिवाइस कनेक्टिविटी वाला फीचर है ये आपके भी बहुत ज़्यादा काम आ सकता है, क्योंकि ये मुझे बहुत ज़्यादा यूज़फुल लगा है। नेक्स्ट, इसका जो ऐप है वो मुझे बहुत ज़्यादा एडवांस लगा इस प्राइसिंग के अंदर में। काफ़ी सारे फीचर्स ये ऑफर करता है, बहुत सारे कस्टमाइजेशन डिफरेंट टाइप के देखने को मिल जाते हैं। रिव्यू वीडियो आप चेकआउट कर लेना, रफली यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ। और इसमें 1 year का सॉफ्टवेयर अपडेट भी बोट क्लेम किया है कि वो देता रहेगा। आज ही मैंने चेक किया, इसमें एक अपडेट आया था जहाँ पर ANC कॉल के टाइम पर भी अब आप इनेबल और डिसेबल कर सकते हो। तो ऐसे बहुत सारे इंप्रूवमेंट्स फ्यूचर में देखने को मिलेंगे। और इसका जो ऐप है वो मैं बोलूँगा अंडर 2000 प्राइस में सबसे एडवांस फीचर्स ऑफर कर रहा है ये वाले बड्स। तो इसका आप रिव्यू वीडियो अगर देखोगे तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जहाँ पर काफ़ी सारे फीचर्स इसमें दिए हैं जिसको आप यूज़ करके
इस वाले बड्स का यूज़ केस और ज़्यादा बढ़ा सकते हो, इसीलिए इसकी इतनी ज़्यादा डिमांड है क्योंकि इसमें फीचर्स बहुत सारे देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट बात आती है भाई गेमर्स के लिए, तो इसमें बीस्ट मोड दिया गया है जो 60 मिलीसेकंड्स की लो लेटेंसी देता है, तो नॉर्मल गेमिंग आप कर सकते हो, कैजुअल गेमिंग बढ़िया हो जाएगी, लेकिन अगर आप एक प्रो गेमर हो देन उस केस में वायर वाले ईयरफोन से यूज़ करो, वो सबसे बेटर होते हैं। सो बात करते हैं यहाँ पे कंक्लूजन की कि क्या बोट एडोफ फ्लेक्स 454 ANC को परचेस करना चाहिए या फिर नहीं। तो देखिए ये 1999 का लॉन्च हुआ था, अभी मैं चेक किया था वीडियो बनाने के पहले तो अमेजोन पे 1799 में सेल हो रहा है, अभी भी स्टॉक अवेलेबल है, तो जिनको खरीदना है मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से जाके इसको परचेस कर सकते हो। अब बात करें कि क्या इस प्राइस में इसको लेना चाहिए, तो मेरे हिसाब से ये वर्थ इट है। सिर्फ एक इशू मुझे लगा है जो ईयर्स के अंदर में पेन होना स्टार्ट हो जाता है, वो एक इशू लगा है, या तो अगर आपके पास में कोई दूसरे ईयरबड्स पड़े होंगे तो आप उनकी टिप चेंज करके देख सकते हो, सकता है कि ये सिलिकॉन का मेटल उतना अच्छा ना हो इस वजह से पेन हो रहा है, इसके बारे में मैं ज़्यादा श्योर नहीं हूँ, लेकिन हाँ अगर आप एक दो घंटे करके यूज़ करते हो फिर तो कोई इशू नहीं है, लेकिन जो एक लॉन्ग टाइम तक यूज़ करते हैं उनको थोड़ा यह पेन वाला इशू हो सकता है। इसके अलावा जितने सारे फीचर्स ये ऑफर करता है आप देख लेना, कोई भी दूसरा ब्रांड या फिर बोट के भी जो दूसरे TWS आते हैं इतने सारे फीचर्स वो ऑफर नहीं कर रहे हैं, और इसके जो फीचर्स मिलते हैं वो बहुत ज़्यादा यूज़फुल हैं, आपके काम आएंगे। बाकी मैंने सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया आपको, इसके बारे में ऑलमोस्ट सब कुछ पता चल गया है। आई होप कि आपका जो भी कन्फ्यूजन रहा होगा बोट एडोफ फ्लेक्स 454 ANC से रिलेटेड वो ये वीडियो देखने के बाद में क्लियर हो गया होगा। अगर आपको परचेस करना है तो परचेस लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, अभी अमेजोन पे अवेलेबल है, वहां से जाके आप इसको खरीद सकते हो। फिर भी कुछ कन्फ्यूजन क्वेरी हो तो कमेंट करके पूछ सकते हो। मैं मिलता हूँ आपसे अपनी अगले वीडियो में।